सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28e डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर नोटिफिकेशन लाइट का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस, एक ऐसी सेटिंग्स है, अगर आप इसको अपने फोन में करते हैं तो आपका जब भी कोई आपके फोन पर कोई भी कॉल करता है आपके फोन पे, तो वहां पर क्या होता है कि डिस्प्ले के बॉर्डर साइड में कलरफुल लाइट ब्लिंक करती है, जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। एक छोटा सा डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन लाइट को सेट कैसे करते हैं। वेल गाइज, उसके लिए हमें इंस्टॉल करना होगा एक थर्ड पार्टी ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, और ये हमारा प्ले स्टोर है और मैंने इसमें एडज लाइटिंग सर्च करा हुआ है और इसका डाउनलोडिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिलेगा, वहां से फॉलोअप करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करेंगे एंड गाइज, इसका यूज इंटरफेस रियली बताऊं तो बहुत ही इजी टू यूज है, कोई भी पर्सन आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकता है। यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको अभी इसका सेटअप करके दिखाएंगे और डेमो भी करेंगे आपको किस तरीके से काम करता है, परमिशंस को अलाउ करेंगे इस तरीके से। एंड सबसे पहला परमिशन में देना होगा ड्रो ओवर एप्लीकेशन, इसको प्रेस करना है और यहाँ से चूज आउट करना है उस ऐप को जो हमने डाउनलोड करी थी अभी प्ले स्टोर से। अब यहाँ पर आएंगे, इस ऐप को इस तरह से प्रेस करना, परमिशंस को अलाउ कर देंगे, बैक आना है, वापस बैक करेंगे। आपको यहाँ पर जितनी भी परमिशन देनी है सबको अलाउ करेंगे। अभी लाइटिंग आ चुकी है लेकिन हम इसको प्रॉपर सेटअप करेंगे, डिस्प्ले इनकमिंग कॉल्स के लिए ऑन करेंगे एंड यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट्स पे जाना है। इसमें गाइस दो लाइटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं, एक है फ्लशिंग, दूसरा है गैलेक्सी। गैलेक्सी में आपको एक सिंपल इजी टू यूज लाइटिंग मिलती है, बट फ्लशिंग में क्या है, ये ब्लिंक करती है कुछ अलग तरीके। उससे पहले मिक्स कलर को ऑन करना है और फ्लशिंग पे क्लिक कर देना। अब ये जो लाइटिंग का कलर है ये देख सकते हो और ये एक इंटरेस्टिंग कलर यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अलावा भी आपको इसके अंदर सेटिंग्स मिलती है, बैक करेंगे और गाइस कुछ एड्स वगैरह भी इसके अंदर आती है। एड्स को यू नो आप स्किप कर सकते हो, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको हम एड्स को स्किप करेंगे प्रॉपर। और इस एड्स अगर आपको बार बार देखने को मिले, अगर आपको ये लगता है कि इसका प्रीमियम भी लेना चाहिए तो आप इसके प्रीमियम के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसका प्रीमियम लेके भी अपने फोन में एक्सेस कर सकते हो जिसमें एड्स वगैरह देखने को भी आपको नहीं मिलेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, ये एड्स हमारी क्लोज होने वाली है और कभी कभी होता है कि एड्स लॉन्ग आ जाती है, तो प्रीमियम इसका बेस्ट है, प्रीमियम ले सकते हो। इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आएंगे तो लाइटिंग डिस्प्ले पर जाना है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है मैनेज आउट करने, जिसमें ओपेसिटी है, कम ज़्यादा कर सकते हो, रेडियस है, राउंड कॉर्नर रेडियस। अगर आपको लगता है लाइट अभी कॉर्नर शेप में कटी हुई है तो इसकी मदद से आप उसको मैनेज करेंगे। ड्यूरेशन आप 10 सेकंड रखेंगे, बाकी चीज़ों को आप ऐसे रख सकते हो। अगर थिकनेस वगैरह थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है तो इस तरह से बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर एक सेटिंग्स है नोटिफिकेशन लाइट। अभी एड्स दोबारा से आ रही हैं तो मैं इसको कट कर लेता हूँ फिलहाल। तो मैं आपको बताता हूँ, राइट वाला ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन लाइट, उसको अगर प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन में क्या है कि जितनी एप्लीकेशंस की परमिशन देंगे उस ऐप की अगर नोटिफिकेशन भी आती है तो ये लाइट ब्लिंक करती है साइड में बॉर्डर के। सो आई थिंक समझे होंगे नोटिफिकेशन लाइट का एक्सेस कैसे करना है।